छोड़कर आज भी समस्याओं समाज की लड़ाई लड़ रहे, तो ये एक समाज ऐसी है कि दर मारे हुए अपने में बोलते कि भाई सोते हुए तो आप जगा सकते हो, लेकिन जो दर मार के सो रहा है उसको कैसे जगाओ? तो उसको जगाने के लिए हमें हर बस्ती बस्ती जाना पड़ेगा। बस्तियों में जाने के लिए यहां पर टीम अब बन रही है। आप लोग अपना दिल छोटा मत करना कि भाई होल भरा नहीं, क्योंकि पब्लिक लाने के लिए हमने किसी से आग्रह नहीं किया था, हमने सिर्फ उन लोगों को बुलाया जिन्होंने समाज में अपने स्तर पर काम कर रहे। सिर्फ ये उन लोगों की एक बैठक थी, बैठक 25-50 लोगों की थी, लेकिन ऐसा सोचा गया कि भाई हर संगठन के कुछ कुछ दो दो चार चार लोग आएंगे और सारे लोग आए जिन्हें समाज की चिंता है वो जरूर आएंगे, और जो नहीं आएंगे वो आप लोगों के काम को देखकर आपसे जरूर जुड़ेंगे। बहुत से लोग ये भी बोल रहे हैं कि भाई रोज संघर्ष समिति बनती है, रोज संगठन बनता है, और वाल्मीकि समाज में 300-400 बड़ा फैसला ले लेते सर, आगे क्या प्रोसीजर रहेगी इसकी? सर ऐसा है, देखिए बॉम्बे के अंदर एक हमने संघर्ष समिति का निर्माण किया है जिसके प्रमुख आयोजन राजेश रेला जी हैं, और मुंबई के अंदर वाल्मीकि समाज की संख्या तकरीबन 1,00,000 है। संघर्ष समिति का प्रमुख उद्देश्य ये है कि वाल्मीकि समाज का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, और जो आज का प्रमुख विषय मेरा इस प्रकार का रहा है कि जो मंत्रालय के सामने वाल्मीकि चौक था, जो मेट्रो स्टेशन के काम शुरू हुए हैं मेट्रो लाइन के, उस चौक को तोड़ा गया है, कुछ चौक वापस बनने वाला है, लेकिन वहीं पर मेट्रो का 3 नंबर स्टेशन बनने वाला है। तो हमारे वाल्मीकि समाज की ऐसी भावना है कि उस स्टेशन को महर्षि वाल्मीकि विधान भवन स्टेशन का नाम दिया जाना चाहिए, क्योंकि एक महत्वपूर्ण चौक है। जब भी मंत्रालय के सामने आप आते हैं तो सबसे पहले आपको वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि का चौक का बोर्ड दिखता है, और उसी स्थान के ऊपर एक महत्वपूर्ण स्टेशन बन रहा है। तो संघर्ष समिति का महत्व विषय ये है, और उसी के साथ में हमने कुछ 10-12 विषयों के ऊपर चर्चा की है, और उसके अंदर सेकंड विषय ये आता है कि महाराष्ट्र में रहने वाले तकरीबन 45,00,000 वाल्मीकि भाइयों को पिछले 70 साल से सर्वांगीण विकास के नाम पे कुछ नहीं मिला है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, 6/7/2017 की बाल्टी की रिपोर्ट कह रही है, जिस रिपोर्ट को मैंने इस मीटिंग के अंदर सार्वजनिक किया, समाज कल्याण विभाग को पत्र दिया गया है कि 70 साल के अंदर आरक्षण या विकास के नाम पर अनुसूचित जाति के अंदर वाल्मीकि समाज को कुछ भी नहीं मिला है, और उनका सहानुभूति पूर्वक विचार करके इस समाज को मिलना चाहिए, और नहीं मिलने का सबसे बड़ा कारण बताया गया है कि इस समाज के पास जाति दाखला नहीं है, जात पड़ताल नहीं है, और जाति दाखला नहीं होने के कारण इस समाज को कुछ नहीं मिला है। उसके अंदर पत्र में ये भी प्रमुखता से बताया गया है कि अगर इस समाज का सर्वांगीण विकास करना है तो जो इनके पास पुरावे हैं उन पुरावों के ऊपर और सेल्फ एफिडेविट के ऊपर इनको जाति दाखला मिलना चाहिए और जात पड़ताल नहीं होनी चाहिए। जब तक ये नहीं होगा, चाहे सरकार कितनी भी कमेटियां बना दे, लेकिन समाज का विकास नहीं होगा। आज आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र के अंदर सबसे नीचे वाला जो काम है, सफाई का काम है, वो सिर्फ वाल्मीकि समाज का है। आज वाल्मीकि समाज के बच्चे भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से वो आरक्षण का फायदा नहीं ले पा रहे, और अगर उनको आरक्षण का फायदा मिलना चाहिए, ये शासन ने एक निर्णय लिया है, इसके ऊपर कितने जीआर निकले हैं, पांगे समिति की रिपोर्ट आई है, लेकिन अभी तक उस समाज को नहीं मिला है। हम चाहेंगे इस संघर्ष समिति के माध्यम से कि इस बात को समाज के घर घर पहुँचाए, शासन के दरबार ही पहुँचाए, और मैं अपेक्षा करता हूँ कि इस शासन से, इस सरकार से, कि इन्होंने जो स्टेप लिए हैं, बाल्टी ने पिछले 70 साल में पहली बार माना है कि समाज को कुछ नहीं मिला है, तो मैं अपेक्षा करूंगा कि बहुत ही जल्दी महाराष्ट्र शासन वाल्मीकि समाज को न्याय देगा और ये जाति दाखला और जाति प्रमाण पत्र का विषय सॉल्व। सर आप क्या कहेंगे? ये जो मेट्रो का जो वाल्मीकि चौक का जो संघर्ष समिति ने मुद्दा उठाया है, इसमें पूरे महाराष्ट्र के वाल्मीकि मेहतर सभी को अगर सरकार ने
हमारे समाज की इस बात को नहीं माना तो हम पूरी ताकत के साथ पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन करेंगे। उसी के साथ साथ हमने महाराष्ट्र सरकार से एक निवेदन और रखा है, बार बार रख रहे हम, कि हाजा पर्वत ढोड़कम में महर्षि वाल्मीकि जी की समाधि है। पिछले टाइम हमने लड़ाई लड़कर 35 लाख महाराष्ट्र सरकार ने वहाँ पर अनुदान दिया, वहाँ पर कुछ काम हुआ कुछ नहीं हुआ, लेकिन हम महाराष्ट्र सरकार से बार बार कह रहे हैं कि उसको महर्षि वाल्मीकि पर्यटन स्थल घोषित यहाँ पे होना चाहिए। जैसे अमृतसर में वहाँ पर पंजाब के राज्य में जाकर देख लीजिए कि उन्होंने 2000 करोड़ रुपये का महर्षि वाल्मीकि भगवान के नाम से एक बहुत बड़ा आश्रम बनाया है, वो महाराष्ट्र में भी होना चाहिए। और ऐसे हम मांग करते हैं कि जो ढोलकम हाजा पर्वत पे वाल्मीकि जी की समाधि है वहाँ पर उसको पर्यटन स्थल घोषित करे महाराष्ट्र सरकार। और जो हमारी चौक की लड़ाई है, मेट्रो स्टेशन की लड़ाई है, जब तक सरकार नहीं मानेगी हम उसको पूरा करके रहेंगे, पूरी जोर से आंदोलन करेंगे और सरकार के सामने हम पूरी टक्कर के साथ उतरेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय वाल्मीकि। स्लोई बोलिएगा, हॉस्पिटल है स्लोई बोलिएगा। आज की जो मीटिंग है उसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि वाल्मीकि समाज का विकास होना चाहिए, और विकास होने के लिए जो बाधाएं आ रही हैं वो सबसे बड़ी बाधा है जाति का दाखिला न होना। हमारे समाज के पास 1950 के पुरावे नहीं हैं, क्योंकि हमारा समाज उस टाइम शिक्षित ही नहीं था, और जिनके पास खुद का घर नहीं था वो पुरावा कहाँ से देंगे, जिनके पास कोई खेती नहीं थी वो पुरावा कहाँ से देंगे, जिनके पास रहने को जगह नहीं थी वो लोग आपको 1950 का पुरावा नहीं दे सकते। इसलिए कायदा 2000 जो बनाया गया है उसके आधार पर, गृह चौकसी के आधार पर हमारे समाज के लोगों को जो सरकार ने तरतूत किए उसी के तहत जाति के दाखिले मिलने चाहिए। जाति का दाखिला मिलने के साथ हमारे समाज में शिक्षा आए, शिक्षा का प्रभाव बढ़ेगा, और जो समाज शिक्षित है वो अपने अधिकार समझता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जो अशिक्षित समाज है हमारा वो अपने अधिकार ही नहीं जानता। इसलिए आज भी पूरे महाराष्ट्र की स्थिति ये है कि हमारे समाज में 95% लोग शिक्षा से आज भी वंचित हैं, जबकि बाबा साहब अम्बेडकर ने ये संविधान में तरतूत की है, उनकी मांग थी कि शिक्षा शक्ति की होनी चाहिए, जो अंग्रेजों ने की थी। अंग्रेजों का यही रहता कि शिक्षण होना चाहिए लोगों को, वो भी बाबा साहब ने लिखी है, फिर भी हमारे समाज को आज तक शिक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं मिला, और ना ही हमें एडमिशन तक नहीं मिलता है। हमारे बच्चे 95% लाने के बाद भी उन्हें इंजीनियर या डॉक्टरी में नहीं लिया जाता, उसका कारण है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जाति का दाखिला नहीं है। मैं आपको बहुत से उदाहरण बता दूंगा, जैसे पूना में हमारा एक युवक इंजीनियरिंग में उसने दाखिला लेने के लिए 95% लाने के बाद भी उन्होंने एडमिशन नहीं मिला, क्यों? सिर्फ उनके पास जाति का दाखला और वैलिडिटी नहीं थी। इसलिए हमारी सरकार से विनंती है कि सरकार 2000 के कायदे को, जो कायदा बनाया है सरकार ने बनाया, कायदा 2000 जो बनाया और गृह चौकसी के आधार पर ही हमें जाति के दाखले और जाति पड़ताल होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। और हम 10 साल से इस पर लड़ रहे हैं, महाराष्ट्र की सरकार कोई भी हो हमारे हित में काम करेगी तो हमारे लिए है, अन्यथा हम लोग आंदोलन करने के लिए ना तो पहले डरते थे ना आज डरते हैं। हमारा समाज एकमात्र ऐसा समाज है जिसने 28 तारीख 2014 को पूरे महाराष्ट्र के 35 जिलों में वन टाइम में आंदोलन किया है, ये इतिहास है। इसीलिए ये सरकार जागी, क्योंकि जो सरकार चली गई उनके राज्य में हमने आंदोलन किया, लेकिन उस आंदोलन को उस टाइम विरोधी पक्ष नेता एकनाथ जी खड़से थे, उन्होंने नजीक से देखा, इसलिए इस सरकार ने निर्णय लिया कि इनके विकास के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए, और सरकार करेगी ऐसा हमें विश्वास है, और नहीं किया तो हमारे पास एक ही चीज है, आंदोलन, वो हम जरूर करेंगे, और हम इस अपने अधिकार को लेकर ही चुप होंगे, अन्यथा नहीं। ये हमारी आज की मीटिंग जो है बहुत ही अहमियत की हुई है, बहुत ही अच्छा दिन है कि पूरे वाल्मीकि समाज का, मुंबई के पूरे वाल्मीकि समाज का एक संगठन बनने जा रहा है, जिसका नाम है भारतीय वाल्मीकि संघर्ष समिति। तो ये जो संघर्ष समिति है ये पूरे वाल्मीकियों के लिए काम करेगी, क्योंकि वाल्मीकि समाज ही किस तरह से है, जो कि बहुत ही पिछड़ा हुआ है, सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ समाज है, तो वो वाल्मीकि समाज है, इसके लिए काम करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। इसी के आज अच्छा सर बात करें तो राजेश भाई की, राजेश भाई हमेशा मीटिंग लेते हैं, तो राजेश भाई के लिए क्या बोलना चाहिए?
राजेश भाई जैसे होनहार व्यक्ति हमारे समाज में बहुत कम है, उनके जैसे व्यक्ति को बहुत कम है। और आज हमारा ये सौभाग्य है कि राजेश भाई इसको लीड कर रहे हैं और आगे बढ़ कर काम कर रहे हैं। राजेश भाई जैसे लोगों के अंदर कामना होनी चाहिए, उस तरह की कामना देखने को नहीं मिलती है। और राजेश भाई का मैं कहते हैं राजेश भाई बहुत अच्छा काम करेंगे, हमें विश्वास है कि राजेश भाई उसके लिए बहुत अच्छा काम करेंगे, बशर्ते कि इसमें सिर्फ राजनीति कर्म ना दिया जाए। तो ये बहुत अच्छा सेंटर है और बहुत अच्छा काम करेगा ये, और पूरे मुंबई में ही इसके बाद धीरे धीरे पूरे महाराष्ट्र में। चलिए ठीक है। सबसे बड़ा हमारा तो मुद्दा जो था कि वाल्मीकि संघर्ष समिति, उनकी जो लड़ाई है, वो जो वाल्मीकि संघर्ष समिति जो वाल्मीकि चौक वहाँ से हटाया गया है, तो गवर्नमेंट का अभी हमें पता चला है कि लेटर लिखा रहे कि वहाँ से वो फिर से नहीं बनाया जाएगा, ये कहना है गवर्नमेंट का। लेकिन हमारा कहना है मरते दम तक संघर्ष समिति इस पर लड़ती रहेगी और वहाँ के स्टेशन का नाम वाल्मीकि चौक विधान भवन होना चाहिए, ऐसी हमारी लड़ाई जबते दम तक ही लड़ती रहेगी। तो अगर वो फैसले पर हम लोग नहीं आते हैं तो आपकी तरफ से क्या एक्शन होने वाला है? सारा समाज सब रोड पर उतरेगा और सारा सफाई का काम सारा बंद करवा देंगे, क्योंकि सफाई काम करने वाले ही वाल्मीकि समाज है, जिनका वाल्मीकि समाज से संबंध है। हाँ, हेमा मालिनी पे आपने केस किया था, जरा उसके बारे में विस्तार से बताएं हमारे दर्शकों को, क्या था वो मामला और अभी वो सांसद भी बन चुकी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हेमा मालिनी सांसद बन चुकी है, पहले एक बार हमारे एक सफाई कर्मचारी उनके घर पर काम करती थी, तो उनको उन्होंने काम से निकाल दिया। निकालने के बाद जब फिर से वो मुझसे मिली, मुझसे मिलने के बाद मैंने एक लेटर लिखा और मैंने उससे कहा कि मैडम जी, इनको फिर से आप काम पे रख लीजिए। वो बोले इनको तो मैं यहाँ दिखने नहीं दूंगी, बोले हेमा मालिनी बोले। मैंने कहा जी मैडम, ऐसा इतना क्या बुरा काम इन्होंने कर दिया है कि आप इनको यहाँ दिखने नहीं देंगे? क्या किया इन्होंने? बोला जी काम बराबर नहीं करती है। बोले मैं बोला जी मैडम, ये 16 साल से आपके इधर काम करते, आपको अभी समझ में आया कि काम बराबर नहीं करती? तो वो चिढ़ गई इस बात से, चिढ़ गई, आपको जो करना है करिए, मैं इसको काम पे नहीं रखूंगी। तो ठीक है, मैंने उसके ऊपर केस कर दिया। केस के बाद उनका एक सेक्रेटरी था मेहता, वहाँ लेबर कमिश्नर ऑफिस में आया और मैं उसे हाथ जोड़कर विनती करने लगा कि साहब, ये केस आप माँ के पीछे ले लीजिए और मैडम से आप मीटिंग कर लीजिए एक बार जाके। मतलब मैं मीटिंग करने के लिए मैडम के पास नहीं आऊँगा, अगर उनको जरूरत होगी तो लेबर कमिश्नर ऑफिस में आएंगे। तो फिर उन्होंने मुझे लेटर लिखा, फ़ोन किया मुझे कि भाई आप आ जाइए, आने के बाद हेमा मालिनी जो आप कहेंगे ऐसा सब करने के लिए तैयार। फिर मैं गया तो फिर वो थोड़ी नरम हुई और होने के बाद उन्होंने फिर उससे कहा भी, इसको क्या देना पड़ेगा? बोला मैडम, आपके लिए इतने साल काम किया है, 20,000 रुपये इसको दे दीजिए। बोला 20,000 रुपया? तो उनको बहुत अच्छा काम वाला लगा। बोला ठीक है, जैसा लेबर कमिश्नर कहेंगे ऐसे आप दे दीजिए। फिर उन्होंने कहने के बाद आगे भी जगह 18,000 रुपये क्या है उस मैडम को मैंने दिया है। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, ये संघर्ष समिति के माध्यम से हमारा टोटल वाल्मीकि समाज, उनका जो विकास है, एक मेट्रो चौक का ही विषय नहीं है, और भी कई जाति प्रमाण पत्र के विषय हैं, सफाई कामगार बोर्ड का विषय है और हमारा एक आर्थिक महामंडल का विषय है, ये सब सारे हमारे समाज के विकास के लिए है। तो ये जो समिति बनी है, ये संघर्ष समिति, हमारे समाज को न्याय दिलाने के लिए, उनके विकास के लिए काम करेगी, ऐसा हम सब मिल करके इस संघर्ष समिति के साथ काम करेंगे। चलो ठीक है। वाल्मीकि समाज संघर्ष समिति, हम लोगों ने पिछले 6 महीने से हमारे सम्मानीय प्रमुख मार्गदर्शक अशोक बोईतकर जी और हमारे राजनीतिक गुरु ब्रह्म सिंह कीर साहब के प्रमुख मार्गदर्शक में आप संपूर्ण मुंबई के जितने भी संगठन हैं, सब संगठनों ने मिलकर एक वाल्मीकि समाज संघर्ष समिति बनाई। क्या फ़ायदा, क्या क्या ऐसा काम होगा सर, कार्य क्या होगा इसका, इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका कार्य जो सफाई पैसे से जो समाज जुड़ी हुई है, जिसको आज 70 वर्षों में किसी भी प्रकार की सुविधा इस सरकार की तरफ से नहीं मिल रही है, वो सरकारी सभी सुविधाओं पर समाज को जागरूक करना, समाज जो आज पिछड़ा वर्ग है, जिनको एजुकेशन, जिनको और सारी सुविधा मिलनी चाहिए थी, वो इस सरकार ने दी नहीं है, इसलिए ये हमें ज़रूरत पड़ी। आने वाले समय में आपकी तरफ से क्या स्टेप होने वाले हैं और भी बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके ऊपर भी डिस्कशन हुआ, तो थोड़ा उसके बारे में बताएं। ये सारे प्रॉब्लम्स है, ये
इन प्रॉब्लम के ऊपर आज संपूर्ण मुंबई में हम एक वाल्मीकि समाज जन चेतना यात्रा शुरू कर रहे हैं। आने वाले दिनों में आप लोगों को इसके माध्यम से हम जानकारी देंगे कि आने वाले दिनों में एक वाल्मीकि समाज जन चेतना यात्रा शुरू कर रहे हैं और आने वाले दिनों में वाल्मीकि समाज जो सफाई कर्मचारी हैं वो अपने शक्ति प्रदर्शन दिखाएगा, क्योंकि आज संपूर्ण उपनगर के जितने भी संगठन हैं आज वो सारे संगठन एक हो गए हैं, एक मंच पर आ गए हैं। भले हम किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हो लेकिन समाज के नाते आज हम एक बैनर पर और एक स्टेज पर आए हैं। अजय जी, 70 साल से जो कार्य नहीं हुआ है इस कार्य करने के लिए अब कैसे क्या करेंगे, क्या तैयारी करेंगे आप? इसकी बहुत बड़ी पहले से हमारी तैयारी शुरू थी। आज तो ये सिर्फ हम लोगों ने एक इसको आप लोगों के माध्यम से एक कमेटी खड़ी की है, लेकिन इसकी तैयारी बहुत पहले से शुरू थी। समाज में जलन समस्याओं को लेकर हम बार बार संघर्ष करते आ रहे थे। आने वाले दिनों में 2019 से पहले इस सरकार को हम अल्टीमेट देना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में अगर इस समाज के ऊपर इन्होंने ध्यान नहीं दिया तो वाल्मीकि समाज संपूर्ण इनका बहिष्कार करेगी और इनके खिलाफ हम लोग सड़कों पर उतरे। वाल्मीकि समाज की बात करें राजेश जी, तो हमेशा से बॉलीवुड हमेशा से सॉफ्ट टारगेट करता है वाल्मीकि समाज को, जैसे राखी सावंत ने बीच में अभद्र टिप्पणी की थी वाल्मीकि समाज को लेकर, और मुंबई में काफ़ी रोज भी देखा गया था, उसमें शायद आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे राखी सावंत को लेकर और भविष्य में इस तरीके का कोई भी कलाकार खास करके वाल्मीकि समाज को टारगेट? देखिए, मैं सारे कलाकारों की तो बात करूँगा नहीं, लेकिन ये छोटे कैटेगरी के कलाकार हैं। राखी सावंत कोई बड़ी कैटेगरी के कलाकार नहीं है, हम लोगों ने उसको इग्नोर किया है और समाज को उनके ऊपर ताकत दिखाई, उनके ऊपर FIR दर्ज कराई। जब जब उन्होंने वाल्मीकि समाज के ऊपर किसी भी प्रकार का अभद्र भाषा का, अगर किसी भी नेता हो अभिनेता हो जिसने भी अगर किसी अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, वाल्मीकि समाज एक हुई है और उनके खिलाफ हम लोगों ने मोर्चा खोला है। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो राम के नाम से जो सरकार बना रहे हैं, जो राम का नाम लेते हैं, उनको खुद को मालूम नहीं कि राम को पना देने वाला कौन था। राम को जब सीता जी को इन्होंने राम जी ने जब सीता जी को अपने से अलग कर दिया, वनवास दिया, तो उसका संभालने वाले हम लोग थे, मेरे गुरु थे महर्षि वाल्मीकि। आज इन्होंने शुरुआत से ही ये मनुवादियों ने वाल्मीकि जी को दबाने का काम किया है, लेकिन जितना भी इसे दबाएंगे ये खुलकर ऊपर आएगा। और मैं आपके माध्यम से फिर बताना चाहता हूँ कि समाज एक हो चुका है। अब कोई भी नेता या अभिनेता जो इस भाषा का प्रयोग करेगा, क्योंकि ये इतिहास से हटा दिया गया, जो ये लोग बताते थे कि ये वालिया है, ये ऐसा था, वो ऐसा था, वो इतिहास से हटा दिया गया है। अगर किसी ने भी हमारे गुरु जी के ऊपर उंगली उठाने की ज़रूरत थी तो इस बार हम उनको इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं है। ऑलरेडी उनके ऊपर FIR हो गई है और उस FIR पे उन्होंने माफ़ी मांगी है, तो हम इसके आगे उनसे माफ़ी भी नहीं चाहेंगे। और हम ये चाहेंगे कि कोई भी बॉलीवुड का हो या कोई नेता हो या अभिनेता हो, क्योंकि आप लोगों ने देखा था बीच में राष्ट्रीय प्रवक्ता थे इनके कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने भी इस हमारे वाल्मीकि जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी की थी, हमने उनके पुतले जलाए थे। तो मैं चाहता हूँ ये BJP वालों से या और सभी सरकार के सभी नुमाइंदों से कि वाल्मीकि समाज को अब कमज़ोर ना आके महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में आपको इसका परिणाम मिलेगा कि वाल्मीकि समाज एक हो चुका है। चलते चलते एक और आखिरी सवाल, बाबा रामदेव ने राहुल गांधी पर टिप्पणी की कि वो किसी दलित बेटी से शादी करें, क्यों ऐसा, उसके पीछे क्या कुछ कारण रहा, क्यों ऐसा उन्होंने कहा, और खास करके संत महात्मा को ये शोभा नहीं देता इस तरीके का अभद्र भाषा? देखिए, मैं उन्हें साधु नहीं बोलना चाहूँगा, वो एक व्यापारी है और व्यापारी को अपना सामान बेचने के लिए कुछ ना कुछ तो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। रामदेव एक व्यापारी है जिसको BJP सरकार ने प्रमोट किया है और उन्होंने उनके सारे जितने भी प्रोडक्ट है, उन्होंने मैगी को उन्होंने गलत साबित किया और अपनी खुद की मैगी बना दी। तो ये तो रामदेव का एक पुराना है,
वो बोलते कुछ है करते कुछ है और फिर औरतों के कपड़े पहनकर भागने का बहुत पुराना नाता है, तो ऐसे बाबाओं के बारे में मैं भूलूंगा नहीं। तो क्या मतलब फिर से अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वापस से उनको वो 4 बजे सुबह उठा के लाठी कांग्रेस सत्ता में आओ या कांग्रेस सत्ता से बाहर रहो, ये वाल्मीकि समाज है। वाल्मीकि समाज के ऊपर अगर किसी भी अगर कांग्रेस के भी नेता ने अगर वाल्मीकि समाज के ऊपर उंगली उठाने की कोशिश की तो सबसे पहले मैं उनके सामने खड़ा हो जाऊंगा और समाज को एकत्र करने का काम। विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। थैंक यू।